हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स के बारे में। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इसके पहले 2 और लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, उसमें हम लोग जाने थे कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, एंड परफ्यूम्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है। ठीक, आज हम लोग कॉस्मेटिक्स में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्रीम्स एंड हेयर स्प्रेस के बारे में। ठीक है, तो या लिखा है कॉस्मेटिक्स वो आइटम होते हैं जिन्हें ह्यूमन बींग अपने बॉडी पर अप्लाई करते हैं। अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो रब करके, स्प्रिंकल करके, या उस पर उसको अपने बॉडी पर स्प्रेड करके, स्कार्स और अनवांटेड मार्क्स को हाइड करके बॉडी पार्ट्स को ब्यूटीफाई करते हैं और हमें अट्रैक्टिव लुक देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कॉस्मेटिक्स कहलाते हैं। मीन्स कोई भी ऐसा चीज़ आप जो अपनी बॉडी पे अप्लाई करें और वो आपकी बॉडी को ब्यूटीफाई करे और क्या करें, जो रिंकल्स हैं या फिर मार्क्स वगैरह हैं उसे हाइड करने का काम करे या फिर कुछ समय के लिए ख़त्म करने का काम करे, वो क्या कहलाते हैं, कॉस्मेटिक्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्रीम्स के बारे में, उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है। ठीक, तो क्रीम्स के लिए एक सबसे बड़ा ध्यान रखने का चीज़ है कि अगर आपके एग्ज़ाम में क्रीम्स के बारे में लिखने को पूछता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ये जो ब्लू ब्लू पेन से लिखा हुआ है उसे लिखना कभी मत भूलिएगा। लाइक क्या लिखा है, इट इज़ द इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। ठीक है, ये क्या क्रीम्स क्या कैसे मिलके बना होता है, ऑयल को वाटर मिक्स करके या फिर वाटर को ऑयल में मिक्स करके क्रीम्स का फॉर्मेशन किया जाता है। कंटेनिंग मॉइस्चराइजर, परफ्यूम्स, वाइटनिंग एजेंट्स एंड समटाइम्स लिटिल अमाउंट ऑफ एंटीसेप्टिक्स लाइक जिंक ऑक्साइड, बोरिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, पहली बात तो ये कहेंगे कि जो यहाँ पे लिखे हुए पॉइंट्स वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको अगर कुछ भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इतनी चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्रीम्स में क्या होता है कि उसमें मॉइस्चराइज़र होता है, जब उसमें होता है मॉइस्चराइज़र होता है जो हमारे फेस को या बॉडी को मॉइस्चराइज़ करने का काम करता है। परफ्यूम्स, परफ्यूम लाइक स्मेल होता है, वो हम लोग स्मेल करते हैं उसको तो बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। उसमें क्या होता है, परफ्यूम्स का भी कुछ कंपोजिशन होता है। अभी हम देखते हैं कि जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो जो ओरिजिनल बॉडी का कलर होता है उससे थोड़ा सा ब्राइट कलर हो जाता है। ठीक, एंड समटाइम्स लिटिल अमाउंट ऑफ कुछ उसमें एंटीसेप्टिक्स लाइक हम लोग बोरो प्लस या बोरोलिन लगाएं तो उसमें क्या होता है, वो एक एंटीसेप्टिक का भी काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एंटीसेप्टिक में जिंक ऑक्साइड और H3BO3 बोरिक एसिड डाला गया होता है। अब हम लोग जानेंगे क्रीम्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेनली हमारे सिलेबस में जो है उस हिसाब से क्रीम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, कोल्ड क्रीम्स एंड दूसरा क्या है, वैनिशिंग क्रीम्स। यहाँ पे आपको फोटो में भी दिख रहा होगा कि कोल्ड क्रीम्स पे क्या क्या कंपोजिशन होता है एंड वैनिशिंग क्रीम पे क्या क्या होता है। अब जानते हैं कोल्ड क्रीम के बारे में। तो कोल्ड क्रीम इज एन इमल्शन ऑफ वाटर इन लार्जर अमाउंट ऑफ ऑयल, अनलाइक द ऑयल इन वाटर इमल्शन ऑफ वैनिशिंग क्रीम। The name cold cream derives from the cooling feeling that the cream leaves on the skin. ठीक है, कोल्ड क्रीम क्या है, इमल्शन ऑफ वाटर इन लार्जर अमाउंट ऑफ ऑयल। जब हम वाटर को ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल में वो कर देते हैं, इमल्शन कराते हैं, मतलब मिक्स करते हैं और इमल्सीफाई कर देते हैं, तो क्या होता है, कोल्ड क्रीम का फॉर्मेशन करते हैं। वेयर एज जो हमारा वैनिशिंग क्रीम होता है वो क्या होता है, वैनिशिंग क्या होता है, ऑयल इन वाटर का इमल्शन होता है। कोल्ड क्रीम का नाम कहाँ से है, जो हमारी बॉडी को कूलिंग का फीलिंग दे, जैसे उसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील हो, कुछ कूलिंग फीलिंग है, ओके कहलाते हैं, कोल्ड क्रीम कहलाते हैं। वैनिशिंग क्रीम इसके थोड़ा जो ये लिखा हुआ है पैराग्राफ उसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं एक्चुअल वैनिशिंग क्रीम क्या होता है। दिस आर एन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शंस विच व्हेन अप्लाइड टू द स्क्रीन लीव एन ऑलमोस्ट इनविजिबल लेयर ऑन इट, सो इट इज़ कॉल्ड एज वैनिशिंग क्रीम।
ठीक है, ये क्या है, ऑयल इन वाटर का इमल्शन है जिसको जब हम लोग अपनी बॉडी पे या फिर फेस पे अप्लाई करते हैं तो एक इनविजिबल लेयर लीव कर देता है जो क्या कहलाता है, एक वैनिशिंग क्रीम कहलाता है। दिस क्रीम कैन क्विकली वॉश ऑफ विथ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्सीफायर्स। क्या और क्या इसका मतलब, जो भी पॉइंट्स लिखे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो आप इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा। दिस क्रीम्स कैन बी क्विकली वॉश ऑफ विथ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सीफायर्स। ठीक है, पहले हम लोग इमल्सीफायर्स के बारे में जानते क्या होते हैं, तभी आपको ऊपर वाला पैराग्राफ अच्छे से क्लियर होगा। इमल्सीफायर्स आर यूज इन क्रीम एंड लोशंस टू मिक्स वाटर विथ ऑयल। इमल्सीफायर का क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं क्रीम और लोशन में क्या, वाटर और ऑयल को मिक्स करने के लिए। वैसे अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर आप वाटर लें और ऑयल लें और उसको मिक्स करने की कोशिश करें तो क्या वो मिक्स होता है, नहीं होता है। जब हम लोग मिक्स करते हैं तो कुछ समय के लिए होता है, फिर वो दोनों एक अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं जिसमें लो डेंसिटी वाला ऊपर हो जाता है, हाई डेंसिटी वाला नीचे हो जाता है। लाइक ऑयल जो कि लो डेंसिटी का होता है तो हम लोग देखते हैं कि वो ऊपर फैला होता है और वाटर नीचे हो जाता है, जिसको हम लोग ईजिली सेपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन इमल्सीफायर्स कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनको हम लोग उसमें अगर डालें तो वो वाटर और ऑयल को एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं। सिंस वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स बट स्टे सेपरेटेड, यह भी बताया। एन एडिशनल एजेंट इमल्सीफायर इज नेसेसरी टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर कीपिंग वाटर एंड ऑयल टुगेदर। ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्सीफायर्स आर यूज मोर इन मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स लाइक बॉडी लोशंस एंड डे क्रीम्स। तो इसमें सेकेंड पैराग्राफ के लिए था, दिस क्रीम्स कैन बी क्विकली वॉश ऑफ विथ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस। क्या है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस है, यानी कि ऑयल को हम लोग वाटर में डाल रहे हैं, इसको अगर ईजिली वॉशअप करना है, बॉडी से हटाना है, तो अगर हम वाटर एक्स्ट्रा अमाउंट में डालें तो फिर ऑयल और वाटर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि जो कोल्ड क्रीम्स होते हैं और वैनिशिंग क्रीम होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कितना परसेंटेज होता है। अगर पहले बात करें कोल्ड क्रीम की तो उसमें 5 कंपोनेंट्स मेनली होते हैं जिससे मिलकर कोल्ड क्रीम बना होता है। पहला क्या है, बीज वैक्स जो कि 12% होता है, मिनरल ऑयल जो हमारा नेचुरल ऑयल होता है 55.4%, स्वीट आलमंड ऑयल 0.5%, बोरेक्स 22.6% और वाटर 19.4%। ठीक, वेयर एज वैनिशिंग क्रीम में क्या होता है, इसके मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, स्टेरिक एसिड 15-20%, ग्लिसरीन 8-12% एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस का काम करता है 1%। तो ये जो भी अभी आपने पढ़ा कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम के बारे में, ये सब क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो यहाँ पे नोट्स आपको मिला वो भी क्या है, बहुत ही कॉन्साइज नोट्स है, सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं। सो मन करे तो आप इसको अपनी कॉपी पे लिख भी लीजिएगा ताकि आपको आसानी होगी फ्यूचर में पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel.